चलिए, कितने बच्चों के पास बुक है? 1 2 3 नो नो टू विल सिट टुगेदर, आ गया जो एक जना, फोर फोर आर देयर, है ना? कोई बात नहीं, आई एम स्पीकिंग द स्टेटमेंट राइट। लेट अस कम टू डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स। हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 8.3 केपलर थर्ड लॉ पे है, लीवेट फोर्थ भी उसी पे है, ठीक है, और फिफ्थ भी उसी पे ही है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। ये कंसेप्चुअल वगैरह देख लेना, मेनली वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। अर्थ से सन की तरफ रॉकेट फेंका, मतलब प्रोजेक्ट किया गया है अर्थ से सन की तरफ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। कितने डिस्टेंस पे अर्थ के सेंटर से, कितने डिस्टेंस पे यहां पे नेट फोर्स जीरो। लेट अस से एनी पॉइंट पी पे ऐसे होगा। सो लेट अस से पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अर्थ जहां पे फोर्स जीरो है। तो अगर डिस्टेंस पे अर्थ एंड सन 180 को हम आर ले लेते हैं, व्हाट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस? आर माइनस एक्स। अब दिया क्या हुआ है उन्होंने, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिटल रेडियस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो गॉट दिस क्वेश्चन, भी क्या करना है आपको, you have to find the point where net gravitational force will be zero. Here net gravitational force will be zero. अब कब होगा वो zero? देखो rocket का mass अगर हम small है लेते हैं, अर्थ का mass capital M ही है, sun का mass है capital MS, ठीक है? तो पहले तो force किसकी वजह से लग रहा है rocket पे, अर्थ की वजह से भी लग रहा है और sun की gravitational फोर्स की वजह से भी लगता है। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन, अब दोनों फोर्स का रिएक्टिव है, ये हैवियर है, इधर अर्थ की तरफ फोर्स यहाँ लग रहा है और सन की तरफ यहाँ लग रहा है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो इसका मतलब होगा कि रॉकेट पे नेट फोर्स जीरो। तो दैट मींस F1 इक्वल टू F1। F1 क्या है? फोर्स बिटवीन रॉकेट एंड अर्थ। F2 क्या है? फोर्स बिटवीन रॉकेट एंड सन। तो फोर्स बिटवीन रॉकेट एंड अर्थ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट ओवर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड रॉकेट, और मास ऑफ सन, मास ऑफ रॉकेट ओवर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड रॉकेट। ये समझ लगा कैसे लिखा फॉर्मूला मैंने? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया है सिंपली, ठीक है? आई हैव यूज्ड ओनली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्लियर है? बस इसको तो सॉल्व भी करना है। हम जी गेट्स कैंसल्ड, एम गेट्स कैंसल्ड, एंड हाउ टू सॉल्व देखिए। आर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज एम एस ओवर एम ई, ठीक है? आर ओवर एक्स माइनस वन इज अंडर द रूट एम एस ओवर एम ई। ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक कहीं स्क्वायर मत खोल देना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको अंडर रूट की फॉर्म में करेंगे। अब यहां पे फिर आर की वैल्यू भी पुट कर दो और एक्स निकाल दो।
मैम कैमरा थोड़ा साइड पे कर दो। हाँ जी हाँ एक सेकंड। ठीक है तो x आ जाएगा यहां से। इस तरह से आप हमेशा नेट फोर्स निकाल सकते हो। अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो भी कर सकते हो, बिगर माइनस स्मॉलर कर दो, यहाँ पे जीरो कह रहे हैं तो इक्वल कर दो। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ग्रेविटेशन में। सिंपल न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया है बट क्योंकि हमें वो पॉइंट की लोकेशन नहीं पता, वी हैव टेकन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इक्वल टू एक्स, देन रिमेनिंग डिस्टेंस, तो हम उसको आर को एंड में जाके पुट कर रहे हैं जब पहले सॉल्व कर दिया। पहले से ही अगर पुट करते जाओगे इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो उसको एंड में जाके वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ से एक्स आ जाएगा। शेयरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ट्वेल्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। आप सन को कैसे वे करोगे, क्वेश्चन है कि सन का मास कैसे फाइंड करोगे। ठीक है तो हम उसको ले सकते हैं लाइक सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट, वी कैन टेक हियर अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, इसीलिए उन्होंने ऑर्बिटल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दिया है यहाँ पे, वो फिर से वही है 1 AU है। और फाइंड द मास ऑफ सन, लेट्स डू दिस। कोई आइडिया कैसे करेंगे? लगना वैसे इसमें कैपलर थर्ड लॉ ही है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर होता है डिस्टेंस बिटवीन जो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में था, यहाँ कहाँ कितना होगा डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच, मतलब हियर आर इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है लगेगा ये थर्ड लॉ ही। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है 4π² / gn, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नाइन्थ में हमने किया हुआ है, डिराइव भी किया हुआ, 4π² / gm होता है कॉन्स्टेंट। तो ये m उस चीज का होता है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ये सन का मास देगा। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ दिया ना यहाँ पे अराउंड द सन 1 year, ईयर को सेकंड में पुट कर लेंगे। ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1 AU 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर, 4π g सबकी वैल्यू पता है, सन का मास होगा। और आपको आंसर भी पता है सन का मास कितना आने वाला है, 2 × 10⁻³⁰ किलोग्राम, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए तो एम एस इज 4π² / gt² r³, इसको सॉल्व करें। तो लेट अस पुट इन द वैल्यूज, 4 3.14, वन ईयर 365 डेज, 1 day 86400 सेकेंड, मतलब 1 day 24 × 3600 सेकेंड, वो 1 solar day है ना, ये 3600 × 24, उसको ऐसे लिख दिया या आप दोबारा से भी लिख सकते। तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आना चाहिए, घर पे चेक करना, 2 × 10⁻³⁰ किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ सन। हाँ जी 365, अरे यहाँ दिया हुआ इस क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, 365 ले लेते हैं। जब हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हो तो लेनी ही पड़ती है, यहाँ तो 365 ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है नाउ गोइंग टू शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ये भी कैपलर्स थर्ड लॉ पे ही है, इसको रहने दो, 15th पे आओ। 15, अ बॉडी वेज 63 newton ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी का मास है, वेट है 63 newton, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ हाइट पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मतलब इसका वेट कितना होगा हाइट पे। तो वेरिएशन इन जी विद हाइट की है ना आपने, वही आएगा यार,
और क्योंकि हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ इग्नोरेबल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी डैश ओवर जी इज आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर की जी डैश इज इक्वल टू वन माइनस टू एच ओवर आर इंटू जी, कौन सा सजेस्ट करते हो, बाइनोमियल यूज करें कि पहला यूज करें, पहला यूज करें क्योंकि हाइट इग्नोरेबल नहीं है. आप आई टोल्ड यू बाइनोमियल तब यूज करते हैं जब हाइट इग्नोरेबल होती है, हाफ द रेडियस इज नॉट इग्नोरेबल. तो चलिए ये वाला करते हैं, वेरिएशन विद हाइट का क्वेश्चन है ये. 15th or 14th? So here, g dash upon g is r over r plus h square. Multiply, divide, numerator, denominator, weight में convert करने के लिए. और आपको new weight निकालना है, ये real weight दिया हुआ है, surface of earth पे दिया हुआ है 63 newton. And height is equal to half the radius of earth. Put in all these values, r, r plus r by 2 square, r square, 3 by 2 r का square. चलिए करिए सॉल्व दिस. करो सॉल्व. 28 newton. So the answer is weight at that height is 28 newton. अब weight का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है gravitational force कितना है उस height पे. Gravitational force weight ही होता है. तो इसलिए हमने weight निकाले. पहले उन्होंने weight बोला है, surface of earth पे weight है. अब height पे वो कह रहे हैं वो निकालो gravitational force. तो वो भी तो weight ही होता है. ठीक है. So this is a numerical based on height, variation in g with altitude. After this, next question. Sixteenth question. Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the center of earth if it weighed 250 newton on the surface? अब ये वेरिएशन इन जी विद डेप्थ का क्वेश्चन. सरफेस पे वेट दिया हुआ है 250 न्यूटन एंड हाफ वे डाउन उन्होंने वेट पूछा है, मतलब डेप्थ अब हाफ है. हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डेप्थ. तो क्या फॉर्मूला है अर्शनूर, वेरिएशन विद डेप्थ का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज जी डैश due to depth variation? Kya? Mass. Anyone? G dash is equal to 1 minus D over R into G. Mass. ये लगेगा. और फिर से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एम, वेट बन जाएंगे. अब वेट निकालना है, डी कितना है, आर बाय टू. नाउ डी इज आर बाय टू एंड वेट ऑन द सरफेस इज 250 न्यूटन. ठीक है, चलो करो फोटा सॉल्व करो. न्यूटन तो वेट भी हाफ हो जाता है. तो हाफ द डेप्थ, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ की डेप्थ पे वेट विल ऑल्सो गेट हाफ. शेयरिंग नेक्स्ट. सेवेंटींथ क्वेश्चन देखो. अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 5 km/s फ्रॉम अर्थ सरफेस. एक रॉकेट को फायर किया है 5 km/s से अर्थ से. हाउ फार फ्रॉम द अर्थ
does the rocket go before returning to the earth? अर्थ पे रिटर्न करने, ये स्केल वेलोसिटी थोड़ी है, वापस तो आएगा ही वो. अर्थ से 5 किलोमीटर पर सेकंड पे उसको प्रोजेक्ट किया, जबकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट एस्केप करती है, तो ये वापस आएगा. तो दे आर आस्किंग हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ. मास ऑफ अर्थ इज गिवेन, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवेन एंड जी इज गिवेन. ठीक है, तो क्या लॉजिक होगा यहाँ पे? वो किसी हाइट तक जाएगा, लॉन्च करके वापस आ जाएगा, सैटेलाइट को पुश करके वापस आ जाएगा. तो कौन सी चीज उसको वापस लेके आ रही है? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल. तो जब वो पहले वहां पे रुकेगा फिर वापस आएगा ना, जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसका पेंडुलम बॉब हम डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ रुकता है फिर वापस जाता है, ऐसे ही रॉकेट जाएगा, रुकेगा फिर वापस आएगा. तो जब वो रुकेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी. तब उसके पास सिर्फ पोटेंशियल होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी बस. ठीक है, एक चीज और देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? अरे वो वाला थोड़ी, दूसरा जो एक हमने किया, माइनस जीएमएम बाय आर. पोटेंशियल था माइनस जीएम ओवर आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जीएमएम ओवर आर. वो यूज करेंगे हम. तो सबसे पहले अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है उसके पास, क्योंकि मूव कर रहा है रॉकेट. ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे है और इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एप्लीकेबल हो गई. अब काइनेटिक एनर्जी जिससे उसको प्रोजेक्ट किया हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जीएमएम बाय आर. ठीक है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट. अब आप डिस्टेंस लोगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, माइनस जीएमएम बाय आर प्लस एच, वो एच हाइट भी आ जाएगी ना साथ में. तो ये मेन इक्वेशन, आगे तो सॉल्व भी करना है. मेन थिंग इज हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन, वी अप्लाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट. अब स्मॉल एम हर टर्म में वो कैंसिल आउट हो जाएगा. आपको निकालना क्या है? एच, एच निकालना है, राइट? तो पहले वी स्क्वायर बाय टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले. फिर वैल्यूज पुट करना अभी नहीं करनी, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. आर प्लस एच माइनस आर, एच आ जाएगा. ठीक है, अब अब यहाँ से आप पुट करिए वैल्यूज, अब फिर एच निकाल सकते हैं. पहले जहां तक सॉल्व कर सकते हैं करिए, आफ्टर दैट वी कैन डू सो. यस, आर प्लस एच ओवर आर क्रॉस मल्टीप्लाई. अपने तरीके एक स्टेप और लिख लो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वी स्क्वायर आर आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम एच. अब आपने आर प्लस एच ओवर एच लिखा, टू जी एम ओवर वी स्क्वायर. अच्छा ये उल्टा हो गया, यहां आ जाएगा
R plus H over H is 2 GM over V square R. अब तो और सीधा हो जाएगा. R by H plus 1, उधर जाके minus 1 हो जाएगा. अब ये आ जाएगा. ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करो दी हुई है और फिर एच निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, 18th क्वेश्चन था, ये 17 था, अब 18th है. एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, आंसर पता नहीं, देख लो. एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस द स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से 3 times एस्केप वेलोसिटी सेंड किया गया, तो वहां पहुंच के उसकी स्पीड कितनी होगी स्पेस में. उसका एक अलग से रेडीमेड फॉर्मूला है, वो देखिए वो क्या है. आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल. अगर जो स्पीड है एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो उसका कुछ मल्टीपल होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो. यहाँ पे द स्पीड देयर is under root v dash square minus v e square. So that speed in space is, अब ये है कि कितने times हमने उसको project किया, यहाँ 3 times as escape velocity of speed. So directly ये formula use हो जाएगा. इसको सॉल्व करके यू कैन राइट द आंसर है. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एस्केप वेलोसिटी का कोई मल्टीपल है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उसकी स्पीड आगे निकालने के लिए. ये अभी जो हमने रॉकेट वाला क्वेश्चन दिया है कि कितनी हाइट से जाके वापस आएगा, सेम ऐसा एक और क्वेश्चन है. मैं नंबर बता रही हूं, आप खुद करोगे. ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन लिख लो. 25th क्वेश्चन आज ही करोगे आप घर जाके. इसमें बस अर्थ की जगह मार्स है कि रॉकेट को मार्स से भेजा गया है और 20% एनर्जी लूज भी करता है. बस एक ये चीज दी गई है, 80% जो उसकी सरफेस पे एनर्जी थी वो आगे कन्वर्ट होगी. बस इतना सा आपको चेंज करना है, बाकी हाउ फार द रॉकेट विल गो वो सब सेम है. ठीक है, 20% वो लूज कर देता है. मैं इक्वेशन आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ. 25th क्वेश्चन में ये अभी हमने रॉकेट का किया था ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अभी हमने इक्वेशन बनाई थी ना, फिर ये हाइट निकाली थी. अब उन्होंने बोला है कि 20% जितनी एनर्जी थी उसकी यहाँ पे वो लूज कर जाता, मतलब सारी की सारी उसमें कन्वर्ट नहीं हुई, 80% ले लोगे आप. बस ये इक्वेशन बनेगी आपकी कि 20% लूज हो गई तो 80% इज कन्वर्ट. तो ये 25th क्वेश्चन आपका हो जाएगा. बाकी सब सेम था, बस कुछ लॉस था यहाँ.
और मास लिया हुआ है अर्थ की जगह, बट मास वगैरह गिवन है तो आप यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। एक सैटेलाइट, कल हमने हाइट निकाली थी ना सैटेलाइट की, तो 400 किलोमीटर हाइट दी हुई है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। कितनी एनर्जी हमें स्पेंड करनी चाहिए सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, मतलब ये कहने का। तो कितनी एनर्जी पहले बाउंड करके रख रही है सैटेलाइट को अर्थ से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ कोर्स जो उसको बाइंड करके रख रही है। क्या फॉर्मूला है उसका? माइनस जीएमएम बाय आर, पर वो किसी हाइट पे है तो आर प्लस एच हो जाएगा बस। और अब आपने निकालना है बाहर तो प्लस आ जाएगा, माइनस का मतलब था अटैच थी, आपने उसको डिटैच करना है तो प्लस जीएमएम बाय आर प्लस एच। चलो दो चार क्वेश्चन रह गए हैं, कल करेंगे एनसीईआरटी, मंडे को करेंगे एनसीईआरटी, लेके आनी है आपने, ठीक है।